Hi guys, this is Advocate Ruksaar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. लोन एप्लीकेशन कंपनीज किस तरीके से आपको लोन देती हैं और कैसे वो आपका हरासमेंट करती हैं और इनके पीछे क्या आपके पास लीगल रेमेडीज हैं, इसके ऊपर मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। और आज उन्हीं वीडियोस के एडिशन में जो आज मैं एक नई वीडियो आपको आज बनाकर पेश कर रहा हूं, ये है उन आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में जो आरबीआई ने लोन एप्लीकेशंस के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही जारी की हैं। आरबीआई को क्यों बीच में आना पड़ा, आरबीआई को ये नई गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी, आइए इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। फ्रेंड्स, अभी दो दिन पहले गुड़गांव के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी चल रही थी जो लोगों को कॉल कर करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपना रही हैं जिसकी वजह से लोगों को आत्महत्या करनी भी पड़ गई। अभी गुड़गांव के ही अंदर एक व्यक्ति ने वो कुछ पैसों का उसने लोन लिया था, 20-30 हजार रुपए का लोन लिया, लेकिन इस 20-30 हजार रुपए की रिकवरी के लिए लोन एप्लीकेशन कंपनी ने उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, उसको इतना ब्लैकमेल और टॉर्चर किया कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा उसके बाद कि मेरी आत्महत्या के पीछे ये लोन और उसके पीछे की लोन एप्लीकेशंस थी। जब उसकी फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने जब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम मिला, जिसमें पता लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर, एक छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर ऐसी कंपनीज चला रहे हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनके पास मनी लैंडिंग का कोई भी लाइसेंस नहीं है और वो ब्लैक मार्केटिंग के अंदर पैसा लोगों को दे रहे हैं और 100% 200% 400% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। फ्रेंड, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी लोन एप्लीकेशन कंपनीज प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या जो भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है उनके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि एक अथॉरिटी है डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक वेबसाइट है जिस पर अप्रूव्ड और ऑथेंटिक लोन एप्लीकेशंस की लिस्ट दी गई है जो आपको पैसा दे सकती हैं। इसके अलावा वो एप्लीकेशन जो इस वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है वो डाउटफुल हो सकती है, वो डाउटफुल होती है और ऐसा पॉसिबल है कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर टू, आप किसी भी लोन एप्लीकेशन को जब रिक्वेस्ट करते हैं लोन के लिए तो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की है कि सबसे पहले वो आपको एक सैंक्शन लेटर अप्रूव कर देंगे, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में दें या किसी भी फॉर्म में दें ऑनलाइन आपको, और उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी कि आपने 25,000 का लोन लिया है जिसमें टेन्योर कितना होगा, उसमें उनके प्रोसेसिंग चार्जेस इतने होंगे और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, और अगर आप उस सैंक्शन लेटर को अप्रूव करते हैं उसके बाद ही आपको वो लोन दिया जाएगा। मैं आमतौर पर ये देखता हूं, मैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जब मेरी डिस्कशन होता है तो वो बताते हैं हमें कोई भी सैंक्शन लेटर नहीं दिया गया। तो जो भी लोन एप्लीकेशन कंपनी आपको लोन देने से पहले, चाहे वो 1,000 रुपए का है या 1,00,000 रुपए का है, आपको उन्हें सैंक्शन लेटर देना मैंडेटरी है। नंबर टू, जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो 1,000 का है, 5,000 का है, 10,000 रुपए का है या XYZ कुछ भी अमाउंट आपने लिया है, उसका लोन एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा है कि जो भी लोन एप्लीकेशन, चाहे वो NBFC है या कोई बैंक है या XYZ जो भी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको लोन दे रही है, वो आपको एक लोन एग्रीमेंट साइन कर जरूर देगी जिसके अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी, ताकि लेंडर बोरोवर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहे। आमतौर पे मैंने देखा है कि लोन एप्लीकेशन कंपनीज 2 मिनट के अंदर आपको लोन दे देती है, ना वो आपको सैंक्शन लेटर देती है, ना कोई लोन एग्रीमेंट बीच में होता है, और 7 दिनों के टेन्योर के अंदर हमें भी इतना सोचने का मौका नहीं मिलता कि हमें इन सब चीज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर जब इनका टॉर्चर शुरू होता है तो लोग फिर वकीलों से कानून पूछते हैं। नंबर थर्ड इसके अंदर आता है कि जो भी लोन एप्लीकेशन कंपनी आपको लोन दे रही है वो किस प्लेटफॉर्म से आपको लोन दे रही है, उसका टाई अप कौन से बैंक के साथ है और कौन सा बैंक एग्जैक्टली आपको लोन दे रहा है, उसके लेटर हेड पर ये ट्रांसपेरेंटली बहुत अच्छे से ये चीज लिखी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस भी लोन एप्लीकेशन से पैसा ले रहे हैं
वो किसी पर्सनल अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया हो, और जिस अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया है ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अकाउंट ब्लैक मार्केटिंग के लिए या किसी इलीगल काम के लिए यूज किया जाता हो, क्योंकि ना आपके पास सेंक्शन लेटर होगा, ना आपके पास लोन एग्रीमेंट का कोई लेटर है, ना आपके पास कोई रिसीट है, ना आपके पास कोई लोन की एक्नॉलेजमेंट है। आपने एक्स वाई जेड पता नहीं किस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, और कल को कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर उस कंपनी के ऊपर छापा पड़ता है या आपके अकाउंट का अगर ऑडिट होता है, तो उस समय में आपके अकाउंट में आया हुआ ये पैसा आपके लिए एक बड़ी लीगल ट्रबल पैदा कर सकता है। तो जो भी आप लोन ले रहे हैं उसके लेटर हेड पर, बैंक के लेटर हेड पर बहुत क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए कि कौन से बैंक से ये पैसा लिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। मेरे हिसाब से लगभग 400-500 होंगी, शायद इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। प्ले स्टोर पर कोई भी एक लोन एप्लीकेशन है, आपने उसको डाउनलोड किया, लेकिन जब कोई भी आपके बीच में वाद विवाद शुरू होता है तो उस लोन एप्लीकेशन में आपको ना उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, ना उसका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस है, ना उसका कोई कॉर्पोरेट एड्रेस है, और ना ही उसका कोई ऑफिस एड्रेस है। ऐसी सिचुएशन में उस लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको उसका कोई एड्रेस पता ही नहीं है। तमाम लोन एप्लीकेशंस जो जेन्युइनली आरबीआई से अप्रूव्ड हैं, मैं उन लोन एप्लीकेशंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जिनका कोई सरपैर नहीं है, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली अप्रूव्ड है, आरबीआई उसको गवर्न कर रही है, तो फिर उस लोन एप्लीकेशन की अपनी एक वेबसाइट होनी जरूरी है जिसमें उस लोन एप्लीकेशन का पूरा इतिहास, उसका बैकग्राउंड, कैसे वो वजूद में आई, कहां से वो रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसकी पूरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल सब उसमें मेंशन होनी चाहिए, ताकि कल को आप लोगों के बीच में कोई भी वाद विवाद होता है तो ये पूरी डिटेल आपके पास हो और आप उसके साथ कोई भी लिटिगेशन शुरू कर सकें। फ्रेंड, इसके अलावा आरबीआई ने भी ऑब्जर्व किया है कि ये लोन एप्लीकेशन जब पैसा रिकवर करने की बात आती है तो बहुत गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। ये आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप किन लोगों से आपने बात की है, पूरी कॉल लॉग ये पहले ही कॉपी करके रख लेते हैं, और जब आप इनका पैसा रोक देते हैं, पैसा किसी भी वजह से आपने नहीं दिया, या मैंने ये भी देखा है कि आपने 7 दिन का लोन लिया है तो 6ठे दिन से ही ये आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, और 7वें दिन तक तो ये पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉल करके आपको बदनाम कर चुके होते हैं। फ्रेंड, ऐसी चीजों को रोकने के लिए आरबीआई ने क्लियर कट ये डायरेक्शन दी है कि कोई भी लोन एप्लीकेशन कंपनी आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है, आपकी कॉल लॉग्स, कॉन्टेक्ट डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड, मैसेज, गैलरी के अंदर या उसके फोन के अंदर जो भी आपकी पिक्स हैं, उन्हें ये कॉपी नहीं कर सकते, उन्हें कॉपी करके हैक करके अपने सिस्टम में नहीं रख सकते। अगर ऐसा कोई भी लोन एप्लीकेशन करता हुआ पाई जाती है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में ये एक बड़ा क्राइम है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी परेशानी जो लोगों को आत्महत्या करने तक के लिए उकसा देती है, वो है एक एक दिन में 500-500 कॉल करना। मेरे क्लाइंट ने मुझे खुद बताया कि सर, मैंने 3,000 का लोन लिया था, 7 दिन का मेरा वो टेन्योर है, और 6ठे दिन से इन लोगों ने मुझे कॉल करनी शुरू करी। जो पहले दिन, मतलब 6ठे दिन जो मैंने कॉल्स रिसीव करी है, वो लगभग 300 से 400 के बीच थी, और 7वें दिन पूरे दिन इन्होंने मुझे अलग अलग नंबरों से मुझे कॉल करते रहे। मुझे इतना टॉर्चर इन्होंने किया कि मुझे उस एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए इमीडिएटली अपनी वाइफ की एक कोई ज्वेलरी मुझे सेल कर आनी पड़ी, और मैंने फिर इनको 6,000 रुपए 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनको लोन एप्लीकेशन को चुका दिए। फ्रेंड्स, ये सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सुबह 5 बजे से आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है, रात के 12-12 बजे तक आपके पास कॉल आती है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाते हैं, आपकी ही कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों के कॉन्टेक्ट लेकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको उसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक ऐसी फोटो जिसपे ऊपर से ये एडिट करके लिख देते हैं आपके बारे में कोई भी गलत बात, और उसको ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। ये सब भी आरबीआई ने 100% डिसअप्रूव किया है, कंडेम किया है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन कर रही है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई ने
तमाम लोन एप्लीकेशंस के लिए, एनबीएफसी के लिए, बैंक्स के लिए और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक्सवाइजेड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए जारी किए हैं। अगर आप इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं है या कोई ऐसी चीज है जो छूट रही है, आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं कि जिस पर एड्रेस करना जरूरी है, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।